Hello everyone, good afternoon, and I hope that all of you are doing very good. So, आज आपके लिए एक बड़ा ही मजेदार किस्म का फैक्ट है. तो ये देखें, ये एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. सो ये पिक्चर जो है वो 2015 के अंदर लंदन में बनाई गई थी. और इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो एक छोटा सा बर्ड है, ठीक है, जिसको हम वुड पैकर कहते हैं, ठीक है. सो वो एक जगह पर है और वुड पैकर के ऊपर जो है वो एक विजल जो है वो उसके ऊपर एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म की राइड कर रहा है. सो ये जो फोटोग्राफर था जी, ये किसी जंगल में से गुजर रहा था एंड हिज मिसेस वॉज विद हिम एज वेल. तो उसकी हॉबीज थी कि वो क्या करता था कि वो फोटोग्राफ्स जो थी वो बनाता था डिफरेंट तरह के जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी जो उनसी है वो डिफरेंट पिक्चर्स को कैप्चर करता था. सो वो जंगल से जब गुजर रहा था तो उसने वहाँ पर ये बर्ड और साथ ही एक एनिमल को देखा. तो जो दो बर्ड था और एनिमल था ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे. और वहाँ पर जाते जाते जब उसने इनको देखा तो एकदम से बर्ड जो था वो फ़ौरन से अपनी जान बचाने के लिए एक्टिव हो गया और साथ ही ये विजल जो था ये भी फ़ौरन से एक्टिव हो गया टू सेव हिज लाइफ, ठीक है. तो उसने फ़ौरन से भाग कर जो उनसे वो जंप लगाई बर्ड के ऊपर और बर्ड ने जो है वो क्या किया, अपने विंग्स को ओपन किया और साथ ही उसने जो है वो फ्लाई करना शुरू कर दिया. सो बड़े मज़ेदार किस्म का फैक्ट है. मैंने फेसबुक के ऊपर जो है डिफरेंट जगहों पर जो है इस पोस्ट को भी पढ़ा और उसमें पता चला कि डिफरेंट लोगों ने जो है वो डिफरेंट बातें कही हुई थी, जिसके अंदर कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने जब इस तस्वीर को देखा तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए, ठीक है, और हमने जाकर अपनी फैमिली को दिखाया. हमारी फैमिली जो है वो भी इतनी ज़्यादा मुतासर हो गई कि उन्होंने क्या किया कि एक मल्टीमीडिया को जो है वो बोरो किया, रेंट पर लिया और हमने अपने पूरे के पूरे जो उनसे है वो नेबर्स को भी जो है वो इस पिक्चर को दिखाया. सो इस तरीके से जो है वो हमारे नेबर्स की जो है वो भी लाइफ बदल गई, ठीक है. सो वो लाइफ कैसे बदली वो तरह मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताती हूँ और मेन वाइल मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो उनसे हैं वो विजल के बारे में बताना चाहती हूँ. सो विजल जो उनसे है इसको क्या कहते हैं, उर्दू में इसको नियोविला कहते हैं, ठीक है. सो ये डिफरेंट जगहों पे पाया जाता है और इसकी जो खुराक होती है वो क्या होती है कि ये जो है रोडेंट्स यानी कि चूहों का शिकार करता है एंड इसी के साथ साथ जो है रैबिट्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. सो ये डिफरेंट जगहों के मुताबिक जो है वो अपने कलर्स को चेंज भी करता है. तो अगर आप इसका कलर अभी पिक्चर में देखें तो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है. सो ये ब्राउन कलर के होते हैं, मैरून कलर के होते हैं और अगर हम जो है वो पहाड़ी एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर जो है वो इनका वाइट कलर होता है. सो इनका वेट जो है वो भी बड़ा हल्का सा ही होता है, लेकिन अगर आप इनकी बॉडी को देखें तो ये तकरीबन लॉन्ग सी जो है वो इनकी स्लिम सी बॉडी होती है. सो ये क्या करते हैं, बड़े स्पीड से भागते हैं, ठीक है. तो जब ये चूहों का शिकार करते हैं तो तब भी ये उनके बिल के अंदर घुस जाते हैं और तेज़ी से जाकर जो है वो वहाँ पर इनका शिकार भी कर रहे होते हैं. और मज़ेदार किस्म की बात यह है कि जिस वक्त ये रैबिट का जो है वो क्या करते हैं उसको हंट करते हैं तो उस वक्त जो उनसा है वो क्या करते हैं, ये एक डांस भी करते हैं, ठीक है. सो ये डांस क्यों करते हैं, ये इनकी एक टेक्निक होती है कि ये जो है वो क्या करते हैं कि जी उसकी अटेंशन को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं रैबिट की. तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको विजल के बारे में बताए, बड़े ही मज़ेदार किस्म के फैक्ट्स, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर इट विद यू. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स जिसके ऊपर अभी हम बातचीत कर रहे थे कि वो जो पर्सन था उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसके घर वालों की ज़िंदगी बदल गई एंड लाइक वाइज नेबर्स की जो उनकी है लाइफ वो भी चेंज हो गई, ठीक है. तो ये कैसे चेंज हुई, ये इसी तरह से चेंज हुई कि इस पिक्चर के अंदर एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का जो है वो मैसेज है. और मैसेज क्या है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस कैपेसिटी के अंदर भी हैं, हम उसी कैपेसिटी में जो है उसी रोल में लिव करते हुए जो है वो दूसरों की लाइफ के अंदर जो है वो डिफरेंस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं. कभी कभी हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, लेकिन यकीन करें कि हमें वक्त का इंतज़ार करने की बजाय जो है वो उसी टाइम के ऊपर उस लम्हे को जी लेना चाहिए और हमें दूसरों की लाइफ के अंदर जो है वो डिफरेंस डेफिनेटली जो है वो ज़रूर क्रिएट करना चाहिए. सो एडी साहब जो थे, आप सब उनके बारे में जानते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के काम उन्होंने दुनिया में किए और इसी तरीके से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो आगे भी बुलंद करे. सो एडी साहब ने जिस वक्त ओल्ड एज होम को जो है वो बिल्ड किया तो उस वक्त एक आदमी जो है वो उसको लेकर के उस ओल्ड एज होम के अंदर
और वहां पर जब उसने विजिट किया तो उसने देखा कि लोगों के चेहरों पे उसको बड़ी ही जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट जो है वो दिखाई दी उन ओल्ड पीपल के चेहरों पर, कि जिनका कोई इर्द गिर्द जानने वाला नहीं था, उनके साथ कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं था उन लोगों की। तो उन्होंने एडी साहब से, उस आदमी ने कहा कि मुझे जो है ये बहुत जबरदस्त लगा और मैं इसी तरीके से मैं भी इस काम में शामिल होना चाहता हूँ और मैं भी ओल्ड एज होम जो है उसको बनाना चाहता हूँ। तो एडी साहब ने पता है कितनी जबरदस्त बात जो है वो उस आदमी को कही। उन्होंने कहा कि भाई इस तमाम को करने के लिए तुम्हें जो है वो इतनी ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम ये काम जो है वो अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम ये काम जो है वो अपने ऑफिस से जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने नेबर से शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारी अटेंशन चाहते हैं, और यकीन करें कि इसके ऊपर किसी तरह की कोई कॉस्ट भी नहीं आती। सो वी कैन क्रिएट द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल जस्ट गिविंग देम देयर अटेंशन जो कि वो चाहते हैं। सो ये एक छोटी सी बात थी जो कि आज मैंने आपसे की है, और आई एम श्योर कि आपने जो है वो इस छोटी सी बात से जो है वो कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर की होगी। तो चले हम छोटी छोटी एफर्ट्स करते रहेंगे टू क्रिएट द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। सो इसी छोटे से मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी और दोबारा होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।